गाइस, हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम हुई और बहुत बुरा लगा मेरे को कि हमारे स्टेट में आके आप रिजॉर्ट चला रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम लोकल लोगों की बुकिंग नहीं लेते हैं। वेलकम गाइस टू माई चैनल। आज हम लोग एक नई जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वो भी आपका फैमिली के साथ जाने के लिए बहुत सुंदर जगह है और स्टे करने के लिए भी, और देहरादून से मात्र 30 किलोमीटर की रेंज में है। और आज वहाँ का हम लोग व्यू दिखाएंगे आप लोगों को और कितना सुंदर है, वो भी साइलेंट है, मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है उसका, और फैमिली के साथ जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है स्टे करने के लिए। फ़िलहाल मैं अभी खड़ा हूँ, कहाँ पर मैं हूँ, रायपुर पार करने के बाद जो आपका माल देवता वाला रास्ता है उसमें मैं चौक पे खड़ा हूँ। मैं आपको एक लुक दिखाता हूँ कि हमें जाना कहाँ है। ये जो आप सामने व्यू देख रहे हैं, इस वाली रोड पर हमें आगे जाना है। इस साइड आप राइट साइड में मेरे देखेंगे तो राइट साइड ये माल देवता फार्म की तरफ जा रहा है, इधर हमें नहीं जाना है। हम देहरादून से या ऋषिकेश से अगर आते हैं तो हम इधर से आने के बाद इस चौक से सीधे ही जाएंगे। तो बाकी व्यू मैं आपको आगे का देता हूं और चलिए आज उसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। इसका नाम अभी मैंने नहीं बताया था, पर अब मैं आपको फाइनली ओपन कर रहा हूँ कि हम लोग रिजॉर्ट में हैं और हम उसी जगह का आज एक्सप्लोर करेंगे, व्यू, खाना और रहना। तो देखिए, मैं सामने हम लोग पहुँच चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 200-300 मीटर आगे। ये डोम की तरह जो आपने देखे हैं, ये हट्स बने हुए हैं, यही वो रिजॉर्ट है। वैसे हम लोग यहाँ मेरे सामने देख सकते हैं, वो सामने की तरफ कोविड में ये तैयार नहीं हो रखा था, अब पर देख रहा हूँ ये काफ़ी सारे डोम हाउस बना दिए हैं इसमें भी। आइए हम लोग अब अंदर से देखते हैं इसको। जगह बहुत सुंदर है, अगर आप इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। और ये डोम हाउस मैं आपको दिखा रहा हूँ, डोम हाउस है।
आप यहाँ आएँ और बुक करा के आएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 रूम्स हैं और बाकी सब नॉर्मल रूम्स और जो आपके स्वीट्स रूम्स होते हैं वो हैं। और आज जैसे वैलेंटाइन डे है कल, तो आज लगभग सारा बुक है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। गाइज, हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम हुई और बहुत बुरा लगा मेरे को कि हमारे स्टेट में आके आप रिजॉर्ट चला रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम लोकल लोगों की बुकिंग नहीं लेते हैं और लोकल लोगों के लिए हमारे यहाँ कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। तो हम तो गए थे ब्लॉग बनाने के लिए, पर उन लोगों ने हमारे साथ इतना गंदा बिहेव किया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि वहाँ लोकल लोगों के लिए अलॉट नहीं है, वहाँ आप नहीं जा सकते। और इतना सुंदर रिजॉर्ट हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बना रखा है, और मेरे को बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकल लोगों के लिए इन लोगों ने अलाउ नहीं किया हुआ है। और हम लोगों की वीडियो भी उन लोगों ने कंप्लीट नहीं होने दी। हम वहाँ का रिवील करना चाह रहे थे, अंदर की सारी चीज़ें दिखाना चाह रहे थे, तो बाहर की कंपनीज हमारे स्टेट में आके रिजॉर्ट बनाती है और उसे रन करती है, और बाहर वालों को अलाउ है, स्टेट के लोगों को अलाउ नहीं है। ये बहुत शर्मनाक बात है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि गो स्टॉप रिजॉर्ट में बिल्कुल ना जाएं, और अगर जाएंगे तो वहाँ उन्हें एंट्रेंस नहीं मिलेगी। आप ये ज़रूर लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और देखिए। लोगों ने हमें व्लॉग नहीं बनाने दिया और कहा कि लोकल लोग यहाँ अलाउड नहीं हैं, और हालांकि वहाँ रूम खाली थे। मैंने उनसे पूछा भाई कि आप अगर हमें देना चाहते हैं ना, हम पे करने को तैयार हैं, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे जितने भी क्लाइंटेज है वो दिल्ली, बॉम्बे और बाहर से हैं। तो मेरे को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों के साथ, स्टेट के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप गो स्टॉप रिजॉर्ट में बिल्कुल ना जाएँ। थैंक यू।